हमारा जो लड़का था ये राजेंद्र कुमार मंगलचंद सैनी, जिसका ये मर्डर हुआ है, तो ये 2021 में कोर्ट मैरिज किया उसने मोमेडियन लड़की से, और डॉक्यूमेंट सब कुछ हैं। उसके बाद में कोर्ट ने उसको पूरी इजाज़त दे दी। पुलिस केस हुआ था वो भी सोल्व हो गया। उसको एक बच्चा हुआ वो भी डिलीवरी के टाइम में एक्सपायर हुआ। उसके बाद में उसकी बीवी को वो बेला बुचका कर उसके घर वाले लेके चले गए। वो लेके जाने के बाद में वो जब उसको लेने गया तो उसके साथ में मारपीट की गई, और उसको मारपीट करने के बाद में उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। पूरी ये काम करने को गया था तकरीबन 25 दिन पहले खंडवा आ गया था। उसके साथ में 13-14 तारीख को भी मारपीट की गई थी, उसी के कारण वो उसको यहाँ लाया गया। और अभी हमको खंडवा पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है। हम एसपी साहब के पास भी गए, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है, पूरा भरोसा दिया है। और हमारे को जो खबर की हुई वो पुलिस वालों ने ही खबर की है। राजस्थान फ़ोन करके बताया कि आपके लड़के के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। हम कड़ी से कड़ी सज़ा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहते हैं दोषियों को, और एक दो दोषी नहीं, उसमें 10 से 15 लोग हैं। ये एक राजस्थान का एक युवक था जो अपनी ससुराल में आया था, उसकी पत्नी यहाँ आई थी, और उस दौरान उसके जो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी एक रिपोर्ट उसने कल दर्ज कराई थी। आज हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई है। उसमें जो 3 आरोपी हैं उनमें से 2 आरोपियों को अभी हमने अभिरक्षा में लिया और पूछताछ कर रहे हैं।